नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर की मुरार पुलिस ने रामलीला मैदान के पास से राह चलते लोगों को लॉटरी के नंबर ठगने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 50,000 नकदी, 5 सोने की अंगूठी, 3 सोने की चेन, 7 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ थाना हरीरा और मुरार में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। पता चला है कि भोले वाले राह चलते लोगों को कम पैसों में ज़्यादा की लॉटरी निकालने का झांसा देकर यह लोग ठगी करते थे। यह लोग पूरे ग्रोह के साथ सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम देते थे। पहले इन्हीं के ग्रोह के कुछ लोग आम लोगों में शामिल हो जाते थे और 1-2 रुपये के नाम पर 100 रुपये और 500 की लॉटरी निकाल देते थे। बाद में लोगों को झांसे में ले लेते थे और जैसे ही बाद में लोग ज़्यादा रकम लगाते थे वैसे ही ये लोग गायब हो जाते थे। पुलिस को इस मामले की पिछले दिनों ही शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पड़ताल शुरू की। आखिरकार पुलिस को यह ग्रोह के कुछ लोगों को रामलीला मैदान मुरार के पास पकड़ा गया। पूछताछ में लोगों को भी पकड़ लिया गया। यह लोग रोजाना 4 से 5 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य शहरों तथा ग्वालियर की ही अन्य वारदातों का खुलासा भी हो सकेगा। ये थाना मुरार पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा 7 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, जो कि मूलतः फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ऐंठता था और इसमें व्यक्ति जब पहली बार 5 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये लगाता था और पर्ची निकालता था तो उसको 500 या 1,000 रुपये मिल जाते थे, और जब बड़ी रकम या कोई सोने का जेवरात लगाता था तो उसको वो वापस नहीं मिलके कम रकम मिलती थी। अभी ये पिछले 20 दिनों से थाना पड़ाव के एक होटल में रुका हुआ था। इन 7 को गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और हमको ऐसी उम्मीद है कि इससे कुछ और वारदातें ग्वालियर की और बाहर की निकलेंगी। अभी इनके पास से 50,000 रुपये कैश और कुछ सोने के जेवरात, जो इसी प्रकार उन्होंने भोले भाले नागरिकों को बेवकूफ़ बनाकर ऐंठे हैं, ये बरामद हुए हैं। इस संबंध में 2 FIR, एक थाना हजीरा में और एक थाना मुरार में दर्ज है। अभी इनसे और